आज के समय में कई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हायर एजुकेशन डिग्री हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप पाने का मौका देती हैं। क्या आप इन स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं? तो बने रहिए आज के इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देश के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कॉलरशिप एक ऐसा माध्यम है जिससे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। कमजोर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट को स्कूल कॉलेज के दिनों में अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि हमारे देश में कई पेरेंट्स के पास मनी न होने के कारण ज्यादा काबिल स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई हायर लेवल पर एजुकेशनल डिग्री हासिल करने नहीं देता है। ऐसे में स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का मिलना उनके भविष्य के लिए एक बड़ा मदद साबित होती है। इस वीडियो में हम आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इंडियन स्टूडेंट को दी जाने वाली टॉप स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहली है ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन पीजी प्रोग्राम स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप उन उम्मीदवारों को दी जाती है जो छात्र छात्राएं गेट या जीपैट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ फार्मेसी में AICTE अनुमोदित संस्थानों या विश्वविद्यालय में फुल टाइम स्कॉलर है। सिर्फ वही इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां जाके आप अधिक जानकारी पढ़ सकते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप है UGC नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा विकलांग कैटेगरी वाले भारतीय नागरिक जो MPhil या PhD करना चाहते हैं, वे नेशनल फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया, वहां जाके आप अधिक जानकारी पढ़ सकते हैं। अगली स्कॉलरशिप है ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना। ये स्कॉलरशिप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए उम्मीदवारों के लिए है जिनका आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इस योजना के लिए केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र के SC/ST छात्र छात्राएं पात्र होते हैं और विद्यार्थियों के माता पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए आपको 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली स्कॉलरशिप है PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा वे माता पिता जिनकी इकलौती बेटियों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये योजना ऑल इंडिया लेवल पर सिंगल गर्ल्स स्टूडेंट और हर आय जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही है, इसलिए इसका नाम पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड रखा गया है। आपको बता दें कि UGC की सिलेक्शन कमेटी इस स्कॉलरशिप के लिए छात्रा का चुनाव पोस्ट ग्रेजुएशन में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर करती है। अगली स्कॉलरशिप है डॉक्टर DS कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम। इस स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट पूरे साल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई तरह की स्कॉलरशिप है जो इंडियन स्टूडेंट को प्रदान की जाती है। आपके लिए भारत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर स्टूडेंट के लिए कुछ उपलब्ध यहाँ टॉप स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें है आशीर्वाद स्कॉलरशिप UG PG के लिए, DU स्कॉलरशिप UG और PG स्टूडेंट के लिए, प्रगति स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर डिग्री के लिए, सरला देवी स्कॉलरशिप किसी भी स्ट्रीम में डिग्री कोर्स के लिए, विद्यासारथी स्कॉलरशिप IIT UG BE BTEC या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, सीमेंस स्कॉलरशिप सरकारी कॉलेजों में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, SRM स्कॉलरशिप BTEC स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, देश के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप के बारे में ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई। वीडियो को लाइक से रिकमेंड करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे वीडियोज पाने के लिए करीब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।